जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आरजू अख़बार में आप सभी का स्वागत है। तो अमावस्या निकल चुकी है और मल मास भी समाप्त हो गया है, अधिक मास समाप्त हो गया है, भादो मास शुरू हो गया है। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद यानी भादो मास में 17 अगस्त 2022 को सिंह की संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और भाद्रपद सिंह संक्रांति का पुण्य काल होगा 17 तारीख को दोपहर 12:15 पर। तो मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रह का जिस भी राशि में परिवर्तन होता है उस दिन को उस राशि की संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सिंह संक्रांति के दिन सूर्य देव के साथ भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की पूजा का भी विधान है। साथ ही सिंह संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान आदि के कार्यों से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन घी का सेवन करने का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दे, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि 17 तारीख को संक्रांति लग रही है, पहला दिन है, प्रथमा तिथि शुरू हो रही है, प्रथमा तिथि के साथ में संक्रांति का लगना और इसी के साथ 17 तारीख का, जैसा कि आपने अगर पिछले वीडियोस में देखा होगा, 8-8 पोर्टल अगस्त का महीना चल रहा है और ये संक्रांति का दिन है 17 तारीख को, तो 8-8 पोर्टल अभी भी ओपन है। इसका आप भरपूर लाभ ले सकते हैं क्योंकि उदया तिथि प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष की संक्रांति के साथ में 8-8 पोर्टल का आप बहुत भरपूर तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। फिर से एक अद्भुत संयोग बना है क्योंकि संक्रांति के दिन आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें शुभता प्राप्त होगी। अमावस के बाद जब न्यू मून शुरू होता है और न्यू मून में जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं उसमें भी आपको शुभता प्राप्त होगी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो 8-8 पोर्टल वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है, पिछली बार अगर आपसे वो रिचुअल रह गया है तो इस बार आप ये रिचुअल कर सकते हैं 17 तारीख को भी और नेक्स्ट 26 अगस्त को भी आप ये कर सकते हैं। तो अभी 2 मौके और हैं, 8:08 पर और शाम को 8:08। तो दोनों ही समय क्या करना है, किस तरह से करना है, पूरी डिटेल्ड वीडियो आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वीडियो का लिंक दिया हुआ है। 8-8 पोर्टल करके आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को पूरे तरीके से देखिएगा और आपकी जो भी इच्छा है वो इस समय आप जो रिचुअल करेंगे आपकी हर विश जो भी आप चाहते हैं पूरी होगी ही होगी। तो मेन खास इसीलिए ये वीडियो अपलोड की जा रही है कि आप तक ये मैसेज पहुंचाना था कि जो भी 8 तारीख को रिचुअल करना भूल गए थे वो 17 तारीख और 26 तारीख का बेनिफिट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस दिन 17 तारीख को खास करके इतने संयोग बन रहे हैं, 17 तारीख को संक्रांति भी है और न्यू मून भी है और साथ ही साथ गुरुवार का दिन बहुत ही अद्भुत संयोग है ये। तो इसका आप जरूर बेनिफिट ले लीजिएगा क्योंकि जब इतने सारे संयोग एक साथ बनते हैं और ऐसे में कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर ली जाए, कोई भी अफर्मेशन कर ली जाए, वो पूर्ण होती ही होती है। पूर्ण विश्वास के साथ आप इसे कर लीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। संक्रांति के दिन, सूर्य की संक्रांति के दिन खास घी का सेवन क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ मिलता है और इस दिन जो घी का सेवन नहीं करते उनको क्या इस चीज का नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि घी ही से दिया चलाया जाता है अथवा घी से रोशनी प्रज्वलित होती है, जीवन में रोशनी उत्पन्न होती है। तो घी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो हमारी बॉडी में आत्मविश्वास, तेज, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है और साथ ही साथ बुद्धि में विकास करती है। तो घी को संक्रांति के दिन अवश्य खाना चाहिए। घी संक्रांति को प्रकृति और पशुधन से संबंधित त्योहार माना जाता है, इसलिए सिंह संक्रांति पर घी का खाया जाना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए इसे घी की संक्रांति भी कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन घी खाने से कुंडली में राहु केतु दोषों से भी मुक्ति मिलती है।
और जो लोग, अब बता दें आपको, जो लोग घी का सेवन खास इस दिन नहीं करते उन्हें कहते हैं अगले जन्म में घोंगे का रूप मिलता है, जो कि आलस से भरपूर होते हैं, जिनको आलस का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन चाहे आप एक जो भी घी को पसंद नहीं करते, वो चाहे एक चुटकी भर ही, कहते ना हाथ लगा कर ही जीभ पे लगा लीजिए, लेकिन सेवन ज़रूर कीजिएगा। तो संक्रांति के दिन, ये सूर्य की संक्रांति आपके जीवन में भी बुद्धि का विकास कर सकती है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप में आ सकता है। राहु केतु के दोषों से आपको मुक्ति मिल सकती है, तो ज़रूर केवल छोटा सा कार्य है, घर में ही है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना, तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। ये छोटा सा उपाय, कई बार छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े लाभ दे जाती है, तो ज़रूर ये काम कीजिएगा। और जब भी हर महीने संक्रांति आती है ज़रूर सुननी चाहिए, बहुत लाभप्रद होती है। और इसी के साथ भगवान विष्णु का, भगवान सूर्य का, भगवान विष्णु के ही नरसिंह अवतार का पूजन आप ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत सारे संयोग एक साथ हैं, इनका ज़रूर आप बेनिफिट लीजिएगा। बार बार आपको याद दिला रही हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जब ये अगले साल आएगा ज़रूरी नहीं है उस दिन संक्रांति हो, या उस दिन गुरुवार हो, या उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि हो, तो ज़रूर इन संयोगों का आप लाभ लीजिए और अपनी हर इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके अपनों की भी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके अपने भी सुखी रहें, समृद्ध रहे। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम, मिलते हैं फिर ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपने का ध्यान रखिए। जय जिनेन्द्र।